बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। पिछले कार्यक्रम में मैं अपने दो दोस्तों की कहानी सुनी थी जो बात बात में क्यों 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 और कैसे 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 पूछते रहते हैं। इसी श्रृंखला में इसका भाग चार सुनेंगे। ये है सुबीर शुक्ला की लिखी कहानी, इसके चित्र बनाए हैं अतनु राय ने और प्रकाशित किया है NVT ने। तो आज हमारे क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया खेल के मैदान में पहुंच गए, देखते हैं वहां वो क्या करते हैं। तो सुनो क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया का भाग चार। अरे कन्हैया चुन्नू, कहीं आज फिर सुनीता दीदी की कहानी सुनने में तो नहीं लग गए? अरे नहीं उस्ताद, ऐसा कैसे हो सकता है, चलो वार्म अप करो। क्या उस्ताद, ये वार्म अप क्या होता है, क्यों जीमल ने पूछा। वार्म अप, अरे ये अंग्रेजी का शब्द है। वार्म अप यानी शरीर में थोड़ी गर्मी और चुस्ती लाना, शरीर गर्म करना। क्यों 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 भाई, हमारा शरीर जो है बिल्कुल भाप के इंजन की तरह होता है। हाँ धीरे धीरे मौसम बनता है उसका, जिसने वार्म अप नहीं किया समझो उस दिन ठीक से नहीं खेल सकेगा। और ठंडी मांसपेशी अचानक खिंचने या सिकुड़ने से चोट लगने का खतरा हो जाता है। शरीर वार्म अप करना, कैसे कैसे कैसे, ये तो बहुत ही सरल बात है। पहले धीरे धीरे और हल्के से दौड़ना, फिर अलग अलग जोड़ों को घुमाने की कसरत, इससे शरीर में लोच बढ़ता है। आखिर में थोड़ा तेज भागना या अपनी जगह पर कूदना, बस वार्म अप पूरा। एक नैया, गर्दन पूरे 5 बार घुमाना, काम चोरी बहुत करते हैं ये लोग, तभी तो दौड़ने में परेशानी होती है। दौड़ना वॉलीबॉल के लिए, क्यों क्यों क्यों, अरे वॉलीबॉल के लिए कि पूरे 5 गेम तक खेल सकें, ये नहीं कि 20 मिनट बाद ही थककर गिर पड़े। इसके लिए ऐसी कसरत करनी चाहिए जिसमें पूरा शरीर चले, दिल की धड़कन बढ़े, सांस तेज लेना पड़े, समझे, जैसे कि दौड़ना, तैरना, रस्सी कूदना। लेकिन दौड़ना कैसे कैसे, अरे ये दौड़ना वैसा दौड़ना थोड़ी ही है कि शुरू किया तो बिना रुके चलते ही गए। यहाँ तो 30 सेकंड तेज और 90 सेकंड धीमे, फिर तेज फिर धीमे, ऐसे दौड़ना होता है। वॉलीबॉल में भी तो ऐसे ही रुक रुक कर तेज खेल का मौका लगता है। ऐसा 20 मिनट करने के बाद ही इनको कूल डाउन करने देता हूँ। अरे ओ चुन्नू, आज उधर वाले छोर से दौड़ना शुरू करो, देखें तो पांव ठीक से रख रहे हो कि नहीं। पर उस्ताद कूलिंग डाउन, क्यों क्यों क्यों, अरे मैंने कहा था ना कि भाप इंजन की तरह है हमारा शरीर, इसे धीरे धीरे ठंडा होने का मौका देना चाहिए, नहीं तो कसरत की वजह से खून में पैदा होने वाली चीजें पूरी तरह साफ नहीं होती, बाद में शरीर दर्द दे सकता है। पर उस्ताद कूलिंग डाउन कैसे कैसे कैसे, अरे ये तो वार्म अप से भी सरल है। थोड़ी देर के लिए बहुत धीरे धीरे दौड़ना, थोड़े बहुत लोच वाली कसरत करना, यानी दिल की धड़कन और हांफने को धीरे धीरे कम करना, समझे। वैसे अब तुम दोनों को भी वार्म अप करना सिखाता हूँ। अरे अरे कहाँ भागे जा रहे हो, वार्म अप तो पूरा कर लो। तो बच्चों तुमने कभी अपनी धड़कन नापी है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। आज तुम नापना और फिर थोड़ा दौड़ कर आना और फिर नापना कि 1 मिनट में उतनी ही बार धड़कता है या कुछ ज्यादा या कुछ कम बार। और तुम्हें पता है दुनिया में कितनी तरह की दौड़ें होती हैं और इन दौड़ों में किसका रिकॉर्ड है अभी तक सबसे तेज दौड़ने का, और किसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा, आज मालूम करना है। देखो मजा आएगा।
तो बच्चों, ये थी कहानी क्यों जीमल और कैसे कैसलिया का चौथा भाग। इसे हमने आपके लिए एनबीटी की पुस्तक से साभार लिया है। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट sahakarradio.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियां।